हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है 3.3, 6.y, x.7 एंड 5.6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के, ठीक है, 3.3 इस ऑर्डर में, और इसमें ये कुछ पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, इस कोऑर्डिनेट का ये y, यहाँ पे आ गया x। तो हमें ये x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, a b c d, ठीक है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। और दोनों का ही मिड पॉइंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो फिर हम इक्वेट कर देंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी 3 + x / 2, 3 + 7/2। तो ये हो गया 3 + x / 2, 7 + 3, 10/2, ये आ गया 5। और ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी 5 + 6/2, 6 + y / 2, 5, 6, 11/2, 6 + y/2। नाउ उसके बाद अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। नाउ वी नो डैट मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। देयरफोर 3 + x / 2, ये जो x वाला पार्ट है उसको x से इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू 11/2, और 5 = 6 + y/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8, और ये 2 इधर चला गया, 10 = 6 + y, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y = 4। तो x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना था, जो कि मिल गया। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। बाय बाय।